क्या होता है ना, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो आपका फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हैं और आपके लिप्स को रीड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू शालिनी अकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम CWSN स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिसएबिलिटी एटिकेट्स के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। सो आज हम बात करेंगे डिसएबिलिटी एटिकेट्स के बारे में। इसका मीनिंग होता है बिहेवियरल मैनर। CWSN स्टूडेंट्स के प्रति आपका किस तरीके से बिहेवियर होगा, आपने उनको ज़्यादा सिंपथेटिक फील भी नहीं कराना है और रूडली बिहेव भी नहीं करना है। सो सही तरीका क्या है, किस तरीके से बिहेव करना है, ये हमें डिसेबिलिटी एटिकेट सिखाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट मीन्स बिहेवियरल मैनर वाइल डीलिंग विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सो बेसिकली ये एक बिहेवियरल मैनर है जो हमें ये बताता है कि वो बच्चे जिनको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है या डिसऑर्डर है उनके प्रति हम किस तरीके से बिहेवियर रखेंगे। सो ये हमें डील करना सिखाता है CWSN स्टूडेंट्स के प्रति और किस तरीके से हमारा बिहेवियर होना चाहिए, ये हम डिसेबिलिटी एटिकेट्स में समझते हैं। आगे देखते हैं, अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन डज नॉट वॉन्ट सिंपथेटिक बिहेवियर। ऑब्वियसली बात है, कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उसको सिंपति नहीं चाहिए होती है कि आप दया कर रहे हो, आप बैठ जाइए, ऐसा नहीं चाहिए होता है। वो चाहता है कि सब जने उसको इक्वली नॉर्मल समझे। हाँ, लेकिन वो ये ज़रूर चाहता है कि आप उसको सपोर्ट दें ताकि वो सेल्फ रिलायंट हो सके, यानी कि अपने आप में आत्मनिर्भर हो सके। वो सो बेसिकली वो उतना ही सपोर्ट चाहता है जिससे वो सेल्फ रिलायंट हो जाए, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। वो 24/7 नहीं चाहता कि मुझे सपोर्ट मिलता रहे और मुझे जो लोग हैं वो नॉर्मल ना समझ के डिफरेंटली एबल समझे। वो बस ये चाहता है कि मैं भी एक नॉर्मल इंसान ही हूँ, मुझे भी नॉर्मल समझा जाए, मुझे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे सिंपथेटिक बिहेवियर नहीं चाहिए। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि डिसेबिलिटी एटिकेट्स का मतलब ये होता है कि किस तरीके से आपका बिहेवियर होगा टूवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। सो गाइज, अब हम देखेंगे कि अलग अलग डिसेबिलिटी में आपने किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है लर्निंग डिसेबिलिटी एटिकेट्स, यानी कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आप किस तरीके से बिहेव करेंगे। पहली चीज़ ये है कि आप उससे पोलाइटली बात करेंगे, आप बहुत। सेकेंड चीज़ ये है कि आप प्रैक्टिस करो लिसनिंग की, यानी कि आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए कि आप उसकी बात ढंग से सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस लिसनिंग पेशेंटली टू द वर्ड्स। आपके अंदर इतने पेशेंस होने चाहिए कि जब एक इंसान अपनी बात कह रहा है तो आप उसकी पूरी बात कंप्लीट होने दे रहे हैं और उसको ढंग से सुन रहे हैं और फिर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो आप आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो सके। आगे दे रखा है, स्पेशल डिवाइसेस शुड बी यूज टू मेक लर्निंग ईजी। आप स्पेशल डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं जिससे उनकी पढ़ाई बहुत आसान हो सकती है, आप उनकी बात आराम से समझ सकेंगे, वो आपकी बात आराम से समझ सकेंगे और पढ़ाई में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है। सो ये थे लर्निंग डिसेबिलिटी के एटिकेट्स की किस तरीके से आप बिहेव करेंगे, पोलाइटली बोलेंगे, अपने अंदर पेशेंस डेवलप करेंगे ताकि आप उनकी बात को ढंग से समझ सकें। आप स्पेशल डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं ताकि आप उनके साथ कम्युनिकेशन बेटर कर सकें। सो गाइज, अब हम बात करेंगे ब्लाइंड डिसेबिलिटी एटिकेट्स के बारे में। सो बेसिकली ये वो पर्सन होते हैं जो देख नहीं पाते हैं या जो पार्शली ब्लाइंड है, जिनको प्रॉपरली दिख नहीं पा रहे ऑब्जेक्ट, तो उनके साथ हमने कैसे बिहेव करना है। यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि अगर आप ऐसे पर्सन से मिलते हैं, सबसे पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ, आप बताओ कि भाई आप कौन हो और आप उनसे बात करो। सो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है सबसे पहले अपने आप को, देन लिखना है कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स, डू नॉट यूज गेस्टर्स। सो बेसिकली आपने मुँह से बोल के बताना है, आप इशारों का इस्तेमाल करेंगे तो वो देख नहीं पा रहे हैं, तो आप गेस्टर्स का कम से कम इस्तेमाल करिए और अपने वर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। आगे दे रखा है, हेल्प देम टू नो द पाथ। अगर आपको दिख रहा है कि भाई उनको परेशानी हो रही है रास्ते में जाने में, तो आप उनको बताओ, या तो इंस्ट्रक्शन के थ्रू बताओ या आप उनका हाथ पकड़ के ले जा सकते हो, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आगे दे रखा है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट वाइल गिविंग इट टू देम। आप कोई भी चीज़ उन्हें दे रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताओ कि वो ऑब्जेक्ट क्या है
और क्या होता है उससे, और तभी दो, क्योंकि उनको नहीं दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट आप क्या पकड़ा रहे हो, किस तरीके का है। अगर आप पहले से उस ऑब्जेक्ट के बारे में और स्पेसिफिकेशन दे दोगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी होल्डिंग में या उनको चोट नहीं लगेगी। आगे दे रखा है इन्फॉर्म बिफोर लिविंग, अगर आप जा रहे हैं ठीक है तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि भाई हम जा रहे हैं, ताकि उनके सेंसेस और ज़्यादा सतर्क हो जाएं कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं हो, मुझे ही देखना है। सो इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, इस तरीके का बिहेवियर दिखा सकते हैं ब्लाइंड डिसेबल्ड पर्सन को। सो ओके गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे हियरिंग डिसेबिलिटी एटिकेट्स। सो यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि आपने उन बच्चों के साथ डील करना है जो बेसिकली ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं, यानी कि जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है या फिर उनको ढंग से सुनाई नहीं दे पा रहे। सो आप कैसे कर सकते हैं उनसे बात और कैसे अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरीके से आपका बिहेवियर होगा वो देखेंगे। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, आपने धीरे धीरे बोलना है, प्लस आपकी जो स्पीकिंग है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब क्या होता है ना, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो आपका फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हैं और आपके लिप्स को रीड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप स्लोली बोलिए और क्लियरली बोलिए। आगे दे रखा है आप गेस्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इशारे कर सकते हैं जैसे गो आउट ठीक है, एंड आप और भी इशारों के थ्रू बात कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से बच्चे बात करते हैं, तो वो गेस्चर का आप यूज़ कर सकते हैं। आगे दे रखा है स्पीक लाउडली, ऐसे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं, तो सो ये देखने को मिला है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो थोड़ा लाउडली सुनते हैं, तो आपने क्या करना है अपनी पिच को हाई करते हुए बात करनी है उनसे, ताकि वो ढंग से समझ सकें आपकी बात। आगे दे रखा है रिपीट योर पॉइंट अगेन, अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं हमें नहीं समझ आ रहा, सो आपने करना क्या है, आपने उसी पॉइंट को दोबारा बोलना है, लेकिन धीरे धीरे बोलना है और क्लियरली बोलना है। सो इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं हियरिंग डिसेबल्ड पर्सन की। क्या करना है, स्लोली बोलना है, क्लियरली बोलना है, गेस्चर्स का इस्तेमाल करना है, फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है, आप लाउडली बोलिए प्लस अपनी बात को रिपीट करिए। सो गाइज, अब हम बात करेंगे स्पीच डिसेबिलिटी एटिकेट्स। सो बेसिकली ऐसे बच्चे जिनको बोलने में प्रॉब्लम है, अब ऐसे बच्चे क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि उन्हें स्टैमरिंग होती हो, बेसिकली हकला के बोलते हो ठीक है। उसी के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनका र ल मतलब अक्षरों में भी दिक्कत हो सकती है, या ढंग से कोई वर्ड या स्पीच क्लियरिटी निकलती नहीं है, तो उनके साथ हम कैसे बात करेंगे। सो यहाँ पर दे रखा है, पहली बात तो उनको मौका दो कि वो अपनी बात रख सके, पेशेंटली आपने सुननी है उनकी बात, एंड उनकी हेल्प करो बात को कहने में। आगे आप उनकी बात सुन रहे हैं और वो जब अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं फिर आप बोल रहे हैं, ये नहीं कि आपने उनकी आधी बात सुनी, अपने आप खुद कॉन्क्लूजन जोड़ के अपनी अकॉर्डिंगली तोड़ मरोड़ के बात प्रस्तुत कर दी, ऐसा नहीं करना है। आपने उनको मौका देना है कि वो खुद अपनी बात कंप्लीट करे, देन आप बोले। आगे दे रखा है उनको इनकरेज करो कि वो भी अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करें, जो वो सोचते हैं, जो वो फील करते हैं, वो अपनी बात को रखें। सो इस तरीके से हम बिहेवियर शो कर सकते हैं टूवर्ड्स स्पीच डिसेबल्ड पर्सन। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। सो गाइज, अब हम बात करेंगे फिजिकल डिसेबिलिटी एटिकेट्स के बारे में, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसकी फिजिकल डिसेबिलिटी दिखती है, तो आप उनके साथ कैसे अपना बिहेवियर रखेंगे। सो यहाँ पर दे रखा है, टॉक टू सच अ पर्सन बाय बीइंग इन फ्रंट ऑफ देम। अगर कोई इंसान व्हील चेयर पर है तो आप उनके सामने बैठिए और बैठ के बात कीजिए। आप इक्वलेंट होने चाहिए कि वो और आप दोनों एक दूसरे की बात को ढंग से समझ पा रहे हैं और कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप खड़े होकर बात करेंगे और वो इंसान बैठा हुआ है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। आगे दे रखा है कि डू नॉट ट्राई टू सपोर्ट देयर व्हील चेयर अननेसेसरीली। सो कई लोग होते हैं सिंपथी देने चले जाते हैं, अगर कोई इंसान व्हीलचेयर पे है उसकी व्हीलचेयर को ड्रैग करना शुरू कर देते हैं, आप उससे पूछो कि आपको हेल्प चाहिए, हम आपकी हेल्प कर दें, अदरवाइज अननेसेसरी आपका सपोर्ट, आपकी हेल्प उन्हें नहीं चाहिए होती है। सो यहाँ पर तीन चार पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट तो ये कि आप ऐसे इंसान से सामने आके बात करें। सेकेंड चीज़, आप दोनों एक लेवल पर होने चाहिए, सेम लेवल पर इक्वलेंट होने चाहिए। थर्ड चीज़ ये चीज़ है कि आपने अननेसेसरी हेल्प नहीं करनी है। हाँ बेशक आप जाके पूछ सकते हैं, अगर वो रेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम पूछेंगे भी नहीं और सीधा ड्रैग करना शुरू कर देंगे चेयर, तो वो बिहेवियर बिल्कुल गलत होता है। सो इसी के साथ ये सारे डिसेबिलिटी एटिकेट्स हमने खत्म कर दिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में वैल्यू एड हो रही है, आपके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं,
सो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है, आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना है ताकि जैसी कोई भी इन्फॉर्मेशन डले ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट कीजिए, बिकॉज आपका सपोर्ट हमें मैटर करता है। सो थैंक यू गाइज़।